शुष्क सम्राट। यह 115 से 120 दिनों में तैयार होने वाली इस किस्म की औसत उपज 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर से मध्य आघात के समय बीज गिराएं और इसकी रोपाई 15x15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। सबौर दीप। बीएयू सबौर द्वारा विकसित इस किस्म की उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह किस्म 110 से 115 दिनों में तैयार हो जाती है। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आघात बीज गिराएं। इस किस्म के बिचड़े की रोपाई 20x15 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। किसान भाइयों, मध्यम जमीन के लिए मध्यम अवधि में पकने वाली किस्मों का ही चुनाव करें। ऐसी किस्में हैं सीता। इस प्रभेद को तैयार होने में 135 से 140 दिन लग जाते हैं। इसकी औसत उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस बौनी किस्म का बिचड़ा तैयार करने के लिए 10 से 25 जून के बीच 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का उपयोग करना चाहिए और रोपाई के लिए 25 से 30 दिनों का बिचड़ा सबसे उपयुक्त होता है। कनक। ये 135 से 140 दिनों में तैयार होकर 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इस किस्म के बीज गिराने का समय 10 से 25 जून होता है। इस बौनी किस्म की रोपाई के लिए 25 से 30 दिनों का बिचड़ा उपयुक्त होता है। राजेंद्र श्वेता। तैयार होने की अवधि 135 से 140 दिन। यह किस्म 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की औसत उपज देती है। इस किस्म का बिचड़ा लगाने के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का उपयोग करना चाहिए और 10 से 25 जून के बीच तैयार नर्सरी में बीज गिराना चाहिए। ध्यान रहे कि इसकी रोपाई 20x15 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए।